गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ नोटिस राइटिंग। सो फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज़ अ नोटिस, कि नोटिस क्या होता है। अ नोटिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ यूजली फॉर्मल इन स्टाइल। नोटिस क्या है, एक राइटिंग पीस है, मीन्स नोटिस इज़ इन द रिटन फॉर्म विच इज़ यूजली फॉर्मल इन स्टाइल। तो जो नोटिस लिखने का स्टाइल है वो फॉर्मल होता है। अब ये है कि नोटिस का यूजेस क्या है, नोटिस को कौन यूज़ करता है, किसके लिए ये यूज़फुल है। नोटिस इज़ यूज्ड बाय इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल पर्सन भी इसको यूज़ कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन टू अनाउंस, जो नोटिस है वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा लिखा जा सकता है और इट कैन बी रिटन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। टू अनाउंस इवेंट, सेलिब्रेशन एंड इनॉग्रेशन, इट इज़ यूज टू टेल द पीपल अबाउट एनी इवेंट, कोई इवेंट हेल्ड हो रहा है। सेलिब्रेशन, कोई स्कूल या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई सेलिब्रेशन करने जा रही है, फॉर दैट ऑल्सो द नोटिस इज रिटन। एंड इनॉग्रेशन, फॉर एनी इनॉग्रेशन ऑल्सो नोटिस इज रिटन। पर्पज, सो वॉट इज द पर्पज टू राइट अ नोटिस। नोटिस इज रिटन टू मेक अपील, रिक्वेस्ट करने के लिए, एंड टू एक्सटेंड इन्विटेशन। फर्स्ट पर्पज है कि नोटिस इज रिटन टू मेक रिक्वेस्ट, एंड द सेकेंड इज टू एक्सटेंड इन्विटेशंस टू इन्वाइट पीपल, लाइक वी आर राइटिंग अ नोटिस फॉर द सेलिब्रेशन, एंड फॉर द सेलिब्रेशन वी आर गिविंग द इन्विटेशन। मोस्टली नोटिस आर पेस्टेड ऑन स्पेशल बोर्ड्स मेंट फॉर द पर्पज। जो मोस्टली हमारे नोटिस होते हैं दे आर पेस्टेड ऑन द बोर्ड्स, जो स्पेशल बोर्ड्स नोटिस के लिए बने होते हैं, नोटिस वहाँ पे पेस्ट किए जाते हैं। सो नाउ आई विल टेल यू कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव नोटिस, एक अच्छा नोटिस हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू मेक अ नोटिस इफेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। फर्स्टली when we start writing the notice, we should mention the name of organization, institution or office. Then the word notice. Then the second line में हम क्या लिखते हैं, the word notice. Second line में notice word लिखा जाता है. Then in the third, date of issuing the notice. Date mention करते हैं हम, जिस date को notice issue हो रहा है। Then fourth, a suitable description, caption or heading. Suitable description, in the fourth point we describe कि जो notice है वो किस बारे में लिखा गया है, what is the main subject of the notice. Heading, let's suppose we are writing the notice about any lost or found, so we write found or lost. So this is called the description, caption or heading. Let's suppose our school is celebrating kite flying competition, so we will give the heading kite flying competition. Then the kite flying competition is the heading or the caption. In this way, in the fourth line we write the description, caption or heading. Then fifth, purpose. After that we mention the purpose, example meeting, appeal, ki hamare jo notice likhne ka main purpose kya hai. We are telling the people or the authorities or the anyone other for whom we are writing the letter, we are telling them about the meeting or we are making them any request. Then in the sixth point, date, time, venue. Date means we are writing the notice for kite flying competition, then we will mention the date of the kite flying competition, time ki competition kis date ko hoga, किस टाइम पे होगा, वेन्यू किस प्लेस पे होगा, प्रोग्राम जो भी हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में हम नोटिस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, लाइक 10 to 12 o'clock, टाइम ड्यूरेशन वी टेल। डेज ड्यूरेशन इट कैन ऑल्सो बी देयर। आफ्टर दैट सेवन्थ पॉइंट, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। देन सिग्नेचर होते हैं, आफ्टर दैट नेम इज़ रिटन, देन द डेजिग्नेशन लाइक द पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर, ही इज़ हेड बॉय और हेड गर्ल, सो हेड बॉय हेड गर्ल इज़ द डेजिग्नेशन। इफ़ द नोटिस इज़ रिटन बाय द कैप्टन, स्कूल कैप्टन, देन द कैप्टन इज़ द डेजिग्नेशन।
इफ इट इज रिटन बाय अ नोटिस, नोटिस रिटन बाय अ टीचर, देन टीचर इज द डेजिग्नेशन. आफ्टर दैट स्टाइल एंड टोन ऑफ द लैंग्वेज फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल. जो स्टाइल होता है या टोन होती है हमारी नोटिस की ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उसके अंदर मेंशन की जाती है, दैट कैन बी फॉर्मल, वो फॉर्मल भी हो सकती है, सेमी फॉर्मल भी हो सकती है, दैट कैन बी सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दैट कैन बी इनफॉर्मल ऑल्सो. सो आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स. इम्पॉर्टेंट नोट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग नोटिस. वी शुड रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज टू राइट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैप्शन एंड फॉर द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स विद इन द मैसेज इट्सेल्फ. सो नोट्स जो है हमें ध्यान में रखने हैं वाइल राइटिंग द नोटिस. वी शुड रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज द कैपिटल लेटर्स वाइल राइटिंग नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम स्कूल का नेम लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते हैं, या वी आर राइटिंग द सब्जेक्ट कि दिस इज द काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, दीज थिंग्स शुड बी रिटन इन द कैपिटल लेटर्स. एंड कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज विद इन द मैसेज इट्सेल्फ ऑल्सो, मीन्स इन द कंटेंट ऑल्सो वी कैन यूज द कैपिटल लेटर्स. देन कंटेंट इज प्लेस्ड इन द बॉक्स. कंटेंट, कंटेंट मीन्स अबाउट विच वी आर राइटिंग. वी आर राइटिंग अबाउट द काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन. सो काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आर स्कूल ऑन दिस डे एट दिस टाइम. दिस ऑल इज कॉल्ड द कंटेंट. एंड द होल कंटेंट मीन्स द होल नोटिस इज प्लेस्ड इन द बॉक्स. नेक्स्ट, द डेट ऑफ द नोटिस कैन बी प्लेस्ड एट द टॉप राइट और लेफ्ट. डेट ऑफ द नोटिस, नोटिस की जो डेट है वो कहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? टॉप राइट और लेफ्ट. टॉप पे, राइट साइड और लेफ्ट साइड, बोथ साइड्स आर ओके. और बॉटम, वी कैन मेंशन द डेट ऑन द बॉटम ऑल्सो. राइट और लेफ्ट हैंड कॉर्नर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, बोथ साइड्स आर ओके एट द कॉर्नर. द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द नोटिस indicates the name below the signature. The individual, individual means if the single person is writing the notice, means no organization or the school is writing the notice, then that person mention the name below the signature. Signature ke below wo name mention karta hai. Occasionally grammatically incomplete sentences may be used. Occasionally, kisi occasion ke liye hum likh rahe hain notice, तो ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस वी कैन यूज एज लॉन्ग एज देयर मीनिंग इज क्लियर. बट द मीनिंग शुड बी क्लियर. ये नहीं है कि हमने ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिख दिए बट द मीनिंग इज नॉट क्लियर. नो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज वो समझ नहीं आएगा. एबिविएशंस एंड सिंबल्स कैन बी यूज वेयर एवर रिक्वायर्ड. हम शॉर्ट फॉर्म्स या सिंबल्स यूज कर सकते हैं यहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट हो. यूजली प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टाइम रेफरेंस इज यूज्ड. तो वाइल राइटिंग द लेटर वी यूज द प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टाइम रेफरेंस. फ्यूचर टाइम रेफरेंस मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वी कैन यूज वाइल राइटिंग द नोट. हेयर इज द लेआउट ऑफ ए नोटिस. फर्स्ट वी मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इशूइंग नोटिस. क्या मेंशन करते हैं सबसे पहले? ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का नेम इन द कैपिटल लेटर्स. Which organization? The organization which is issuing the notice. Then in the second line, word notice is written. Write the word notice here. Okay. The write the word notice here. The notice word hum second line mein mention karte hain. Then thirdly, here we mention the date. Issuing date. On which date the notice is issued. The date is to be written here. First line, name of the organization. Second, notice. And third, date. Then fourth, heading or subject. Like I told you, we are writing about the kite flying competition. So yahan pe kya likhenge? Kite flying competition. And it is written in the capital letters. Remember this thing. This is also written in the capital letters. This is also written in the capital letters. After this, that this whole place is for the content. In this space, write the content of the notice. So we will start. This notice is written to be informed to you all about a kite flying competition. Then date, day, time. On which date
कॉम्पिटिशन विल बी देयर, एट वॉट टाइम इट विल बी देयर, वॉट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन. आफ्टर मैंशनिंग ऑल दीज थिंग्स कम ऑन द सिग्नेचर्स. सो आफ्टर द कंटेंट वी हैव टू राइट द, वी हैव टू पुट अप द सिग्नेचर. देन हेयर नेम इन द ब्लॉक लेटर्स, इन द कैपिटल लेटर्स, एंड द डेजिग्नेशन इन द ब्रैकेट, लाइक राम इन द ब्रैकेट हेड बॉय, इफ हेड बॉय इज देयर. देन आफ्टर दैट इन ब्रैकेट एंड डेजिग्नेशन इन ब्रैकेट ऑफ द पर्सन, ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, जो पर्सन नोटिस इशू कर रहा है. देन द नोटिस इज पुट इन अ बॉक्स. सी द नोटिस इज रिटन इन अ बॉक्स. इट इज मैंडेटरी दैट नोटिस शुड बी रिटन इन द बॉक्स.